कि कैसा टिफिन है जानते हो? स्टील का टिफिन? नहीं, मेरी शादी का टिफिन। मतलब? देखो, अगर ये खाना तुम अपने बॉस को खिला दोगे तो तुम्हारी वजह से हमारा प्यार पैदा हो जाएगा और मैं तुम्हारी जेब गर्म कर दूंगी। कुछ गड़बड़ हुई तो मेरे बॉस बिगड़ जाएंगे। शलाल, और बाप रे, आगे वो। ये लो, कुछ हरी सब्जियां लेके आया हूँ, इन्हें जल्दी से बना लो। क्या है ये? पालक की साग, सरसों की साग, मेथी की साग, बथुए की साग भी ले आते, साथ में पका देता। स्वामी जी, स्वामी जी, आज ये नॉनवेज खा लीजिए। स्वामी जी, नॉनवेज खाना? ये कौन लाया? मैं। तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? मुझे कौन आने देगा, मैं तो खुद ही घुसी चली आई। बहुत अच्छा काम किया आपने। आप बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर हैं और आपके कपड़े इस तरह के? कपड़े की बात छोड़िए स्वामी जी, इस पे चिकन को, मटन को, फिश को मस्त मसाले में पकाया है। क्या खुशबू है, जरा खाकर तो देखिए। शांत रहो, ये सब लेके बाहर जाओ। धत, पत्ते खाने वालों को बिरयानी कहाँ से पसंद आएगी? मैंने सोचा था कोई राजकुमार जैसा लड़का मेरे पीछे पड़ेगा, पर मैं आपके पीछे आई आपके मासूम बच्चे को देखकर। मैं भी तो अकेली हूँ, सोचा था सहारा मिल जाएगा, लेकिन मुझे तो अकेली कहाँ। रुको रुको रुको, ये टिफिन लो, जाओ। अरे आप औरत को नहीं समझेंगे, मर्द की भूख के बारे में नहीं सोचेंगे। चिकन मटन छोड़कर बकरों के खाने वाले हरे पत्ते को कब तक खाते रहेंगे? मैं इस नर्क में नहीं रहने वाला। अरे, अरे, ये रस्सी लेके कहाँ जा रहा है? बाहर झूला लगाने नहीं जा रहा हूँ, इसे फांसी लगाऊंगा मैं। देखिए स्वामी, मरने के बाद मत कहिएगा नहीं कहा था, गैस बंद कर दीजिएगा। क्या लिख रहे हैं स्वामी जी, मेरी आत्मकथा? नहीं भाई, हिसाब लगा रहा हूँ। मेरी जान से ज्यादा हिसाब जरूरी है? ये तुम्हारा ही हिसाब है, तुम फांसी लगा लोगे तो सरकार को कितना नुकसान होगा। उसका हिसाब लगा रहा हूँ, तुम फांसी लगा लोगे और मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। पुलिस को फोन करने का 150 रुपए का खर्चा, पुलिस आएगी उनके डीजल का खर्च, उनके तनख्वाह का खर्च और पोस्टमार्टम का कुल खर्च 50,000 रुपए का नुकसान होगा। फिर तुम्हारी लाश को गाड़ देंगे, सडनली एक रिश्तेदार आकर बोलेगा ये आत्महत्या नहीं हत्या है, एक पिटीशन डाल देगा। तुम्हारी सड़ी हुई लाश को बाहर निकाल कर अगर दोबारा पोस्टमार्टम किया तो फिर 50 का खर्चा और, लेकिन तुम्हारे मरने से सरकार को फायदा भी है। वो कैसे स्वामी? तुम तंदुरुस्त हो इसलिए तुम्हारी आंखों का 50,000, किडनी का 1,00,000, टोटल 1,50,000 रुपए मिलेंगे। मैं जरा नहा कर आता हूँ, तुम टेंशन मत लो, आराम से रस्सी पर लटक कर मरो। इतना सब कुछ जानने के बाद बिना टेंशन लिए कैसे मर सकता हूँ स्वामी? मरने के बाद कैसा हो जाऊंगा उसको VCD दिखा दी। मैं केले के पत्ते लाऊंगा, उस पर बैठ कर डेटॉल से अच्छी तरह घिस घिस कर नहाऊंगा, उसके बाद मरने जाऊंगा।